मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं इस प्रचार अभियान का क्या मकसद है और इस प्रचार अभियान में क्या क्या चीजें हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम टीसी सर से बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्री चार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रांड तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्री चार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड डॉट वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है, वह इसमें सबसे बड़ा अवसर है।
अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज RCM में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। RCM उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए RCM ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 150,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। RCM में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। RCM का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। RCM में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्म सम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। RCM में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा RCM संस्थान व RCM सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और RCM की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन RCM गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री TC छाबड़ा का संदेश है, प्रिय साथियों, RCM का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। RCM इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। RCM इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने RCM को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपने इस जानकारी को अच्छे से देखा भी होगा, सुना भी होगा और इसका फायदा भी आप उठाएंगे। आप लोग के शानदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं TC सर का। प्लीज वेलकम सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से हमने RCM के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त की, जिससे स्पष्ट होता है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश के जन जन के विकास के लिए बना हुआ है। बहुत सारी तैयारियां की हुई है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया की जो एक बाजार व्यवस्था है, जो कंपनीज है, जो आप देखते हैं, जो हम सामान लाते हैं, कोई कंपनी हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है, हमारे किसी समृद्धि को लेकर चिंतित नहीं है, हमारे कोई विकास को लेकर चिंतित नहीं है। पर RCM अभियान पूरा का पूरा, इसका एक एक कदम जो डिजाइन किया हुआ है, वो जन जन के विकास के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए किया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तैयारियां की हुई है। जैसा कि इसमें बताया गया था, डॉक्टर किरण बेदी के जो वक्तव्य है, वो जब उन्होंने RCM को समझा और प्रोग्राम में आई तो उन्होंने इसको एक चमत्कार बताया। तो आगे हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको इस अभियान में, इस प्रचार अभियान में हमारा देश भी हमारे साथ में है। किरण बेदी जी दिल्ली में आई थी, हमारे प्रोग्राम एनिवर्सरी में आई थी और उन्होंने क्या स्पीच दी है, क्या कहा है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। जी सर, एक मिनट के लिए।
आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है, ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका, उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे, ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कुल पुरुष है, कमाल दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार RCM तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को भी इन्वाइट करो, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। चमत्कार को देखना चाहती हूँ कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज, मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है, ये उदाहरण है आपका, आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम RCM को आपका धन्यवाद करती हूँ, उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया, ये एक एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा। आप बहुत कुछ, बहुत सारे लेसन दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है।